जिलाधिकारी महोदय की नज़र इस तहसील निघासन में इकलौती नगर पंचायत सिंगाही जिसमें किस प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त है यह आपको देखने को, जैसा कि विधायक स्वर्गीय श्री रामचरण शाह के नाम से सिंगाही बस स्टैंड पर यात्री प्रतीक्षालय जो बनाया गया था यह पीडब्ल्यूडी की जमीन थी, आए दिन इस तरीके से बनाए जाते हैं। जबकि नगर पंचायत सिंगाही में नगर पंचायत की जमीन पर जिस तरीके से अवैध कब्जे कराए गए हैं उनके अभिलेखों के आधार पर क्या बैनामा हुआ है, किस तरीके से हुआ है, अगर उच्च अधिकारियों के द्वारा इसकी जांच हो जाए तो हो सकता है राजस्व विभाग को करोड़ों का इजाफा होगा, और जो गवर्नमेंट के इन दलालों के द्वारा जो चुनाचल लगाया जा रहा है हो सकता है इस पर रोक हो जाए। यह जनपद लखीमपुर खीरी के जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है। इस क्षेत्र की जनता है कहना चाहती है, जैसा कि वीडियो के माध्यम से देखा जा रहा होना और बिल्डिंग बन जाना यह सवालों के घेरे में है। यह टेंडर द्वारा हुआ है, किसके द्वारा हुआ है, महोदय के माध्यम से, उसमें जनता द्वारा चुने हुए चेयरमैन व सभासद के माध्यम एक बोर्ड की बैठक होती है, उस दरमियान विकास कार्य के लिए एक रजिस्टर मेंटेन होता है, उसमें कौन कौन से कार्य विकास के लिए प्रस्तावित हुए, कैसे हुए, किस तरीके से हुए, उसमें मेंबर कौन कौन से थे या नहीं थे, या दलालों के माध्यम से इस सिस्टम को बनाया गया है। मिलेगा कस्बे के बस स्टैंड के निकट पावर हाउस के ठीक सामने नगर पंचायत के द्वारा पीडब्ल्यूडी की जमीन पर इंटरलॉकिंग का लगवाया जाना यह एक सवालों के घेरे में है, और उसी इंटरलॉकिंग में यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जबकि यह जमीन पीडब्ल्यूडी की बताई जा रही है। आने वाले समय में कभी भी पीडब्ल्यूडी के द्वारा फोर लेन रोड पास हो चुका है और कभी फोर लेन रोड का निर्माण कार्य कभी भी चालू हो सकता है। यात्री प्रतीक्षालय माना कि बनकर तैयार हो जाता है, उसके बाद फोर लेन रोड बनाने में यात्री प्रतीक्षालय को तोड़ना पड़ेगा, जैसे बीते वर्षों में पुराना यात्री प्रतीक्षालय तोड़ना पड़ा था। अब यह सवाल उठता है कि नगर पंचायत के द्वारा सरकारी धन का बंदरबांट किस तरीके से किया जा रहा है।